माइन तो फेलो नईम सिद्दीकी नहीं थे ना? यस सर, ए नहीं है सर हूँ मैं नाइम। जी। सर आप अपना थोड़ा बता दें, क्या कर रहे हैं आप? सर इसमें हमारे पास वही लॉगिन और यूजर लॉगिन वगैरह होगा। उसके अलावा हम इसमें आपके सारे एक्सपेंस को ट्रैक करेगा, कैटेगरी वाइज, डेट वाइज। उसके अलावा आप इसमें अपने डेट वाइज एक्सपेंस को देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज एक्सपेंस को देख सकते हैं, और इंशाल्लाह इसमें रहा है ग्राफिकली भी हम इस आपके एक्सपेंस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करें, फिर सेविंग भी आपको ये कैलकुलेट करके दिखाए। ठीक है, सही है, ठीक है। ये मिर्ज़ा मुइज़ तैमूरी और नवीद रज़ा, नहीं है दोनों? अच्छा, माइन तो फेल हो गया है गेस, राइट? ये हो गया है बस। हाँ, ये मुकर्रम अब्दुल राफे अलीशा सिद्दीकी। जी सर, जी सर, हम हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। तो बना लिया आवाज़ आ जी रही है? आवाज़ आ रही है? जी जी आ जी रही सर, ये तकरीबन बिल्कुल एंड है या एंड होने वाला है? ठीक है सर, है, पूरा बना लिया। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड है, देख लेते हैं। तो सर उसमें हमने पेशेंट का तकरीबन पूरी डिटेल्स, उसकी आईडी वगैरह, उसका नाम, उसके एज वगैरह, और उसकी सब चीज़ें हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर की तमाम चीज़ें, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह हैं। फिर ये हमने ये सिस्टम भी किया है कि लेट सपोज अगर वो डॉक्टर ना पूछेगा आपको आपको क्या सिम्टम है, लेट सपोज फीवर वगैरह है, तो फिर डॉक्टर उसको पैनाडोल वगैरह की कहते हैं दवा दे देगा। इस तरह के भी हमने बनाया है, ठीक है, सही है। और सर बिलिंग भी है, ऐसी बात है, वो बिल वगैरह जो होते हैं कैलकुलेट, वो भी पूरा किया हमने। अच्छा, और एक बात बताओ, डॉक्टर ने अपनी अवेलेबिलिटी शो की होगी 4 से 6 तक, और पेशेंट उस टाइम पे बुकिंग कराएगा, ऐसा ही है? ओपीडीज फिर से बोलिएगा। की बुकिंग होती है ना, कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होगी 4 से 6, अगर किसी दिन जी फलाना जी दिन बीसी दिन, तो उस जी दिन पेशेंट अपनी बुकिंग करवा रहा होगा, ऐसा ही सिस्टम है ये? सर, फिलहाल ये तो नहीं किया हमने बुकिंग का, मतलब ये है पेशेंट कि और हम सर डॉक्टर का क्या रिलेशन है? इसमें पेशेंट ये है अभी कि आइए एक रिसेप्शन का बना दिया, जी। किसका बना रिसेप्शन, दी? ठीक रिसेप्शन जॉब जो अपॉइंटमेंट बुक करेगा। है, लेकिन पेशेंट और डॉक्टर का क्या रिलेशन बना? रिसेप्शन के पास भी तो पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन ही होता है ना, कि डॉक्टर के अगेंस्ट पेशेंट असाइन होता है। आपने डॉक्टर और पेशेंट को बहुत डिफरेंट कर दिया, मुझे तो समझ आ रहा वो ऐसे लिंक करा है जैसे रिसेप्शन, अपॉइंटमेंट है। आईडी, रिसेप्शन रिसेप्शन। पे भी बिल्कुल, रिसेप्शन पे भी पेशेंट के नाम के आगे डॉक्टर का नाम भी लिखा होता जी है, है, अभी भी है? तो जी पेशेंट है, और डॉक्टर आपस में रिलेटेड हैं, राइट? जी। अपॉइंटमेंट में डॉक्टर आईडी डालेगा और पेशेंट आईडी डालेगा, तो डॉक्टर और पेशेंट की और टाइम अपॉइंटमेंट ऐड से कर जुड़े, देगा। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम होगा आपका, डॉक्टर और जी, पेशेंट, राइट? पेशेंट और मेडिसिन की डिटेल और प्राइस भी होगी, फिर बिल में वो मेडिकल की प्राइस, मेडिसिन की प्राइस लेके बिल में ऐड करेगा। ठीक है, गुड है, ठीक है। ये माइन तो पहले आई हो गया, ये खैरुन्निसा। यस सर, सर आई मीन सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, जिनका हो गया वो लीव कर लें क्लास। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बाकी है पूरा काम। अच्छा ठीक है। ये है हमजा अली और खैरुन्निसा। जी सर, ये आप लोग क्या बना रहे हैं? सर बेसिकली हम एक ग्रॉसरी लिस्ट बना रहे हैं यूजिंग क्रेड, जिसके अंदर कोई भी यूज़र आके वो कोई भी आइटम ऐड कर सकता है, आइटम के साथ उसकी क्वांटिटी ऐड करेगा और फिर वो आइटम ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर वो ग्रोसरी कौन चाहे ऐड करे? तो जी ग्रोसरी लिस्ट तो कहीं से बाय करेगा या घर पे जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट है? जी नहीं, जो घर पे जैसे हम पेपर और पेन से नहीं लिखते कि हमें ये चीज़ खरीदनी है इतनी जी ठीक क्वांटिटी में है, खरीदनी है, ठीक वैसे बनेगी। फिर यूज़र जो है वो उसको एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। फिर आपने क्योंकि ये कहा था कि हमें डेटाबेस अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। तो होगी, ये तो तो बहुत छोटा है, नहीं हो गया? सिर्फ आपने एक सिर्फ ग्रोसरी का आपका बनेगा और सिर्फ उसमें ही कलर हो रहा है। इसके अंदर हम फिर डेटाबेस ऐड करवाएंगे,
डेटाबेस कोई भी तो यूज आपकी से मर्जी है ना, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी है, प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, इसमें कुछ और ऐड करें। सर जब भी मैंने आपसे एक दफ़ा क्लास में भी पूछा था कि सर काफ़ी है, तो आपने कहा था जी इतना ठीक है, और फिर मैंने आपसे कमेंट करके भी पूछा था कि सर आप बता दें कि ये ठीक है या नहीं है, तो आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था। ठीक है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है प्रोजेक्ट, कोई मसला नहीं है, इसमें और चीज़ें बढ़ाएं मैं ये बोलता ठीक है सर, तो आप कोई सजेशन देंगे कि क्या कैसे बढ़ाना चाहिए? हूँ। अगर ग्रोसरी लिस्ट अगर हम मिड जैसा बंदा बनाएंगे तो पहले तो अप्रूव तो करवानी पड़ेगी, तो अप्रूव कौन करेगा, वालदेन करेंगे, तो एक अप्रूवल प्रोसेस आपका बन जाएगा, दो यूज़र लॉगिन हो जाएगा, एक पेरेंट और यूज़र, तो एक ये हो सकता है इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ग्रोसरी लिस्ट के साथ अगर, या तो आप इसमें बाय मतलब कितने की वो ग्रोसरी पड़ी, स्पेसिफिक अगर राइस की बात करूँ तो राइस कितने का आपको, अपने किस महीने कितने का बाई किया, तो वो चीज़ें भी थोड़ी एक्सटेंड करेगी इन चीज़ों को। ठीक है सर। अच्छा सर ऐसा बना दें कि जैसे कि आइटम्स ऑलरेडी वहाँ पे शो कर रहे हो, हमें बस एक प्लस माइनस का करके उसकी क्वांटिटी करके ऐड करवा दें बिल्कुल कार्ट में, तो बिल्कुल ये भी सही है, कोई इतना मसला सही नहीं, रहेगा बिल्कुल सही। सर? ये ठीक है भी, ये सर, तो बहुत कम है, और भी चीज़ें हैं बोल रहे हैं। सही है सही है सर, तो फिर मैं आपको दोबारा से सबमिट करवा दूँगी। ठीक है ठीक है मोहम्मद उसैद। चलिए हमारा हो गया। हो गया हाँ सर, ये कब हुआ? अच्छा हो गया, ठीक ये शुरू में वही जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम वाला। है अहमद जमान। तो अहमद जमान नहीं है ना, मुबशर नहीं हुआ, अहमद जमान अभी भी नहीं है। अगर एक मीर शाहरुख भाई आप बाकी रहे, जी सर। लॉग इन लॉग आउट, व्यू एड प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट, ये तो एक यूजर का बना, ये प्रोडक्ट तो भी एड जी यूजर ही करेगा, डिलीट भी यूजर करेगा, बाय कौन करेगा? हेलो सर, जी, आपने एडिट एडिट आवाज डिलीट, एड एडिट डिलीट तो करवा दिया, प्रोडक्ट को बाय कौन करेगा? सर? बाय वगैरह कुछ नहीं हमने हमने बनाया, तो वो आप तो कहने बनाना दो, हम पड़ेगा तो ना वेट कर रहे हैं। जी, बनाना पड़ेगा, ये बहुत छोटा है। ठीक ठीक है सर, कर देंगे है थैंक यू सो मच, सबका हो गया, कोई रह गया? जी अच्छा सर, ये मैं रह जो गया बाकी क्या नाम है, ताहा, हूँ, बीच में मैं ये सो गया था कौन सा वाला है मुझे बता देना, ताहा सर। शाहिद। जी, तो शायद जी सर आप बता दें। जी सर, ये बेसिक कैलेंडर का बना रहे हैं हम, इसके अंदर चार ऑप्शन होंगे जिसके शो ऑल इवेंट्स के, ऐड इवेंट का और डिलीट इवेंट का और सर्च इवेंट का। पीछे डेटाबेस जो हम यूज करेंगे वो एमएस एक्सेस यूज करेंगे। अब इनके क्या जैसे यूज हम करेंगे, इवेंट्स, जी क्या यूज करेंगे? एमएस एक्सेस, ठीक अब जैसे हम सर्च करते हैं इवेंट, अगर किसी को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए जैसे हम डेटाबेस में सीरियल वाइज जो है इवेंट स्टोर करा रहे होंगे, तो ठीक पहले हम सर्च करके डिस्प्ले करके इवेंट देखेंगे कौन से सीरियल पर है वो इवेंट, और फिर जाके यूजर जो है उसको डिलीट कराएगा सीरियल नंबर ऐड करके। सही, अब ठीक जैसे है सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए जो है डेट का यूज करेंगे, तो डेट डालेगा तो डेट पे जितने भी इवेंट्स होंगे वो शो हो जाएंगे, उसको डिस्प्ले हो जाएंगे डेटाबेस में से। ठीक है, बेसिक और कैलेंडर हो गया, जी सर बेसिक कैलेंडर, बस इतना ही, तो जी जी सर यही है। बस ये कैलेंडर का ऐड एडिट डिलीट, टू डू लिस्ट बना रहे हो इन शॉर्ट। बिल्कुल हाँ सर, ऐसे समझ लें टू डू लिस्ट बना रहे हैं, और पॉपअप वगैरह बीच में लगा देंगे जैसे इवेंट का, ऐड इवेंट करने के बाद देखो बीच में पॉप मुझे आएगा। मुझे यूआई बहुत अच्छा नहीं चाहिए, मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल चाहिए, तो और थोड़ा इसमें एडिशन मिलाओ, ये बहुत ज़्यादा छोटा है आपका, तो सही सर, तो आप कुछ सजेस्ट कर दें? यार इसमें तो मेरी सजेशन भी नहीं आ रही है, बस कि मेरे मैं पास तो इतने कैलेंडर आ रहे थे चेंज नहीं सर, मैं करता, यही समझ आ रहा था मुझे, तभी मैंने या तो इसको कर लिया। प्रोजेक्ट चेंज कर लो फिर, क्योंकि कैलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत ही छोटा सा सिस्टम लग रहा है मुझे अभी आपके लिए। सर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, सिर्फ बेसिक कैलेंडर ही है सर, एक तरीके से। ये टू डू लिस्ट ही हो गया, लेकिन ये तो बहुत छोटा है यार, तो ये तो मुझे असाइनमेंट, ये तो असाइनमेंट मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये तो प्रोजेक्ट नहीं दे सही सर, तो फिर मैं चल देखता हूँ सर, मैं फिर आपको दोबारा रेट करा देता हूँ सब। ठीक है। अच्छा फिर जो टैब्स मेरे पास अभी खुले हुए हैं इनके तो चलो माइनस हो जाएंगे। अच्छा बाकियों के लिए भाई आप लोग अभी जिस तरह हमने क्या करा था, अभी हमने प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट और यूटिलिटी प्रोडक्ट की क्लासेस बनाई थी, तो ये कहलाते मॉडल्स। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि आपको एक बनानी है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या करेगी, एक स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे आप,
उस बॉक्स में आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है, मतलब क्लास का पहले नाम लिखना है, जैसे सबसे पहले आपने लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर आपने लिखा कि भाई इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या मेथड्स होंगे। फिर आपने उसी तरह हर क्लास की प्रॉपर्टी लिखनी है, हर क्लास के मेथड लिखने, जैसे कि प्रोडक्ट ऐड एडिट डिलीट, तो यहाँ पे बन जाएगा एक वॉइड ऐड प्रोडक्ट, उसी तरह सारे बनते रहेंगे, ठीक है। तो एक आपने, अगर मैं आपको बताऊं तो एक वेबसाइट है ड्रॉ डॉट आईओ के नाम से, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे क्लास डायग्राम, तो आई गेस यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मंडे जो हमारी क्लास होगी, उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबकी जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एंटिटी क्लास डायग्राम, ठीक है, तो इसमें क्लास का नाम है, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये मेथड का नाम होगा, ठीक है। और इसमें आपने रिलेशन बता दिया कि भाई इस ये पर्सन और एड्रेस का क्या रिलेशन है, स्टूडेंट और प्रोफेसर का क्या रिलेशन है, दोनों पर्सन में आएंगे तो उसका क्या मतलब है, स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन होगी क्लास का नाम, तो क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन होगा। तो इस तरह के आपको ये क्लास डायग्राम बनानी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये कोई सवाल है? सर, क्लास डायग्राम किसी जो हम प्रोजेक्ट बनाने उसकी बनानी है या किसी बिल्कुल असाइनमेंट बिल्कुल की? बिल्कुल, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसी के बनाना है, ठीक ओके सर। है। तो आपका प्रोजेक्ट क्लियर इसी तरह होगा कि जब आपने ये डायग्राम बना दो, तो हम इस डायग्राम को फिर कोड कर रहे होंगे, ठीक है, ये हम किसी एक ही प्रोजेक्ट जगह। जी की डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा? जी ये प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी आएगा, और इस मॉडल, इस डायग्राम को देख के कोडिंग की जाएगी, मतलब कि मैं किसी एक का प्रोग्राम, एक किसी की एक की डायग्राम पकड़ लूंगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ इंटरफेसेस वगैरह आपको उस पर मैं दिखाऊंगा करके किस तरह बनाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास आज नेटबीन्स डाउनलोड कर रहा था, हुआ नहीं मेरे से डाउनलोड, अगर नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह डाउनलोड होगा तो आपको जीयूआई भी साथ साथ करवाता रहूंगा, ठीक है आप सर। उसी जब वक्त आपकी क्लास बिल्कुल, में रहे हो, सबके सबके ये डायग्राम बनेंगे? मुझे कल क्लास, जैसे आज सबके प्रोजेक्ट प्रपोजल डिस्कस हुआ, नेक्स्ट क्लास में सबका इसी तरह क्लास डायग्राम डिस्कस होगी, और सब पे जाहिर सी बात है उस पर टॉन्टिंग शॉन्टिंग भी सब होगी, उनके सवाल भी होंगे, और नहीं अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ और भी होगा। तो सर अभी तो क्या बनाया नहीं है सर, नेक्स्ट महीने तो हम प्रोजेक्ट बना लें, ये भी बना लें। मतलब, प्रोजेक्ट प्रपोजल तो आप लोग का हो गया ना, तो सर प्रपोजल तो हो गया है। अब ये डायग्राम बनानी है सिर्फ, चलो ठीक है सर। ये डायग्राम बनाने में मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे सर ये यूआरबी जी। कहलाती है सर, आप ये डायग्राम इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोड कर रहे हैं, मतलब कि इसको देख के, जैसे देखो अगर ये जैसे पर्सन है ना, तो पर्सन क्या हो जाएगा, एक क्लास बन जाएगी पर्सन की, ठीक है, एक क्लास, दूसरी एक और क्लास स्टूडेंट, तो ये, और स्टूडेंट में क्या हो जाएगा, एक्सटेंड्स पर्सन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एरो बना हुआ है, एरो किसकी निशानी है, इनहेरिटेंस की निशानी है, ये वाला एरो जो होता है ये इनहेरिटेंस को डिफाइन कर रहा होता सही है, ठीक है, ये स्टूडेंट चाइल्ड है और पर्सन पेरेंट है, इसी तरह प्रोफेसर भी यही होगा, सही समझ में आई? तो इस यस तरह हम इसको कोड करते हैं, इसमें एट्रीब्यूट डिफाइन हो गए, तो मुझे पता है पर्सन के अंदर क्या लिखना है, पर्सन के अंदर मुझे स्ट्रिंग नेम लिखना है, फोन नंबर लिख दूंगा, ईमेल लिख दूंगा, एक मेथड बना दूंगा परचेज पार्किंग टिकट का, सेट सही ठीक है, हम इस तरह इसको कोड करते हैं। जब तक आपको डायग्राम नहीं बनेगी, आपको डिफाइन नहीं होगा कि आपको करना क्या सर। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? थैंक यू जी। ड्रॉ डॉट आईओ के नाम से बचा हुआ है, DRAW ड्रॉ डॉट आईओ, ठीक है, ये यूएमएल है? ये इसको हम यूएमएल नहीं कहते, हम इसको क्लास डायग्राम कहते हैं, यूएमएल में थोड़ी डिफरेंट चीज आ जाती है, लेकिन ये कि यूएमएल कह सकते हैं हम इसको, यूएमएल लेकिन में बनानी है या ये बनानी है नहीं, मतलब? ये बना लूँ यूएमएल, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं सर यूएमएल, वैसे आप लोग आपने देखा जाए असाइनमेंट में तो बना ही रहे ना, सर वो कैसे बनाएंगे सर, थोड़ा बहुत? यूएमएल कैसे बनाएंगे यार, यस यूएमएल तो सर। और आसान है, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने सर्च करना है फ्रॉम टेम्पलेट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर यूएमएल, ये रही यूएमएल आपकी,
कैसे बनानी है, यहाँ पे सब आ गया। एक्टिविटी यूएमएल के अंदर मल्टीपल एक्टिविटी डायग्राम सीक्वेंस है यार, ये तो बहुत लंबा लंबा काम है, ये वाली बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बनेगी, उसी तरह ये ऊपर आपने इसमें, लेकिन क्लास डायग्राम में आप टाइप नहीं बताते थे, इसमें टाइप्स भी बता रहे होंगे, जैसे फील्ड है फील्ड की टाइप की है, मेथड है मेथड की, पैरामीटर टाइप की है, और कॉलम के बाद ये रिटर्न टाइप लिखी हुई है, ये रिटर्न टाइप क्या है, ये भी आप बता रहे होंगे। समझ में आई, मतलब छोटा सा, ये तो बहुत बड़ी बनी हुई है हमारी, तो जाहिर सी बात है पर्सन पर्सन के पास स्टूडेंट और प्रोफेसर ही होता है, तो वो तो छोटी सी बन जाएगी। ठीक ठीक है सर, है, ये तो बहुत बड़ी बनी हुई है, हमें इतनी बड़ी हमारे कोई काम की नहीं होती। सही है सर। ठीक है, क्लियर है, सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे वालेकुम। आपसे बात करनी थी कि क्लास से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि आप प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है उसको डिफाइन करवाएंगे, तो मेरे साथ का लड़का जो है वो मेरे ख्याल से वो असर की नमाज तक सो रहा है, तो वो उठ रहा नहीं है, तो उसके साथ अभी नहीं, डिस्कस नहीं किया हुआ, तो मैं आपको पर्सनल पे मैसेज कर दूंगा उसकी टोटल जो डिटेल्स हैं व्हाट्सएप पे। आपका पहले नाम बताओ, नाम क्या? अहमद जमान, EBA 2010 2010 2010 2010। अहमद जमान और मुबशर हनीफ। तो आपने तो प्रोजेक्ट प्रपोजल इतना अच्छा सबमिट कराया, तो मैं देख के ही आपको इतने अच्छे मार्क्स दे दूंगा सर उन दिनों में मैं ऑनलाइन नहीं था, तो उसने मेरी आईडी से पे भाई। खुद ही इतने सबमिट करवा दिया था, दिन तो वो क्या, उसी का है 24 मार्च को ये सबमिट हुआ है, और आज 26 अप्रैल, 1 महीना हो गया, जी। एक तो महीने मुझे का इस चीज टाइम का नहीं आइडिया नहीं मिला था था कि उसने क्या चीज सबमिट की है, तो मैं आपको एग्जैक्टली। दोबारा तो सबमिट करवा देता हूँ सब। बिल्कुल दोबारा तो करवाना पड़ेगा ही, ये तो जी मसला नहीं, वो तो करवाओगे ही, ठीक है वो तो करवा देना, लेकिन पहले सबमिट करवाना, फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, या तो प्राइवेट कमेंट कर देना। ठीक है, मैं अभी फिलहाल तो मैंने आपको मैसेज कर दिया, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है आराम से डिटेल में नहीं, लिख के दे इधर ही दूंगा। प्राइवेट कमेंट कर देना बल्कि। ठीक है, ठीक है थैंक ठीक है। यू। और किसी का कोई कंसर्न या कुछ चीज़ अब तक समझ में ना आई हो, असाइनमेंट के हवाले से कुछ भी कंसर्न हो, असाइनमेंट्स जो जो आपके 7.1 तक आप लोगों ने करने हैं विदाउट कॉपीड, तो वो भी, या बल्कि आपको दिखाऊं किस किस ने कहाँ कहाँ से छापा था। असाइनमेंट 8.0, ठीक है, ये असाइनमेंट 8.0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मैंने सिर्फ इन 5 को एक्सट्रैक्ट करा, और ये 5ों सेम प्रोजेक्ट है। अगर कैसे पता चलेगा सेम प्रोजेक्ट है, इधर लिखा हुआ है ये आउट जो बना है, ये 19 अप्रैल 10:42 को बना है, ठीक है। अब इधर देख लेते, इधर भी यही है, 19 अप्रैल 10:42, 8.0 10:32, ठीक है। ये इस तरह मतलब कोई खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी फाइल, और फाइल का स्ट्रक्चर भी सेम है, नाम भी सेम है, नाम सेम है इसलिए खुद ही मैं खुद ही एक की ऐड करता रहता है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, आप लोग असाइनमेंट देखने में कि छापा हुआ है नहीं छापा हुआ है, तो आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखना। अभी तो मैंने बता भी दिया था कुछ लोगों के भाई छापा हुआ है, बाकी जगह पर मैंने चेक करने की जहमत ही नहीं की। तो अब आप लोग जो सबमिट करवाओगे वो फाइनल होगा, और उसके बाद कोई छपाई पे कोई माफ़ी वगैरह तलाफी नहीं होगी, ठीक है। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सो सर मच। अगर कोई इसी प्रोजेक्ट रहता हो असाइनमेंट, तो वह भी सबमिट करवा दें या फिर छोड़ दें? संडे तक सारे असाइनमेंट सबमिट करवा दो, संडे तक, कमिंग संडे वन से लेके 7.1 तक। 1 तक, बिल्कुल 8.0 बल्ले छोड़ देना, लेकिन 7.1 तक विदाउट कॉपीड कहीं और से आप लोगों ने सब सबमिट करवाना है। ठीक। अच्छा, सर जिन्होंने पहले भी जब फर्स्ट टाइम सबमिट किया था विदाउट चीटिंग मतलब कॉपी करने के, वो तो सही है ना, उसको दोबारा नहीं बिल्कुल, करा वो ना? नहीं, वो दोबारा नहीं करे, ठीक ठीक है। हाँ, ठीक अगर, सलाम। सॉरी, एक और चीज़ थी कि अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है कि किसी को असाइनमेंट दिया था और उसने वही सबमिट कर दिया, तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता कि किसने किया, तो मैं तो दोनों को 0 दूंगा, इस बात का ख्याल रखना बस। ठीक है भाइयों, थैंक यू सो मच, और किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ लें, बाकी को जाने तो जा सकते हैं। सर आखिरी बात रिपीट कर देंगे सर? सॉरी समझ नहीं आई सर। अगर किसी ने किसी को सबमिट असाइनमेंट दिया हुआ था और उसने भी सेम सबमिट करवा दिया, तो मेरे नज़दीक दोनों गुनहगार है, और मैं दोनों के मार्क्स काट दूंगा, ठीक है। सर
अच्छा सर, मेरा एक दोस्त सवाल पूछा था कि यूएमएल जो आपने पूछा है वो सब तमाम असाइनमेंट की बनानी है? उसमें लिखा हुआ जिस असाइनमेंट की बनानी है उसमें लिखा हुआ, अच्छा ठीक। और जो ये क्लास डायग्राम वो सिर्फ प्रोजेक्ट की बनेगी? वो सिर्फ प्रोजेक्ट की बनेगी और वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी। तो मंडे को आपकी 3:30 बजे से पहले बनी भी होनी चाहिए, और अच्छा बनी नहीं भी तो ठीक फिर है। मतलब क्लासरूम पे सबमिट हो जानी चाहिए। असाइनमेंट 8 भी वापस सबमिट कराना है असाइनमेंट सर? 8 भी बल्ले ना करवा लेकिन 7.1 तक करवाना। सही है सर, ओके। सर जरूरी नहीं है कि हम सारे असाइनमेंट सही करें सर, कुछ हमसे भी नहीं नहीं हो मुझे पाते। नहीं कोई मसला नहीं, गलत कर दो बस अप्रोच लिख दो या एल्गोरिथम लिख दो, मुझे कोई मसला नहीं कि असाइनमेंट सही है या गलत ठीक है। मुझे ये चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह उसको अप्रोच किया था वहां पर। और सर मेरा असाइनमेंट 8 से सवाल था, वो भी पूछ लो, मतलब कॉन्सेप्ट से वो सवाल नेक्स्ट था। क्लास में करेंगे, वो हम नेक्स्ट ओके क्लास सर, में डिस्कस कर लेंगे, सही है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है।